बाबा केदारनाथ के गर्भगृह का सोना क्या चोरी हुआ? क्या सोने को गायब कर पीतल लगा दिया गया? क्या असली सोने की जगह तांबे पर गोल्ड पॉलिश कर दी गई? इन सवालों ने बाबा केदार के करोड़ों भक्तों के मन में आशंका पैदा कर दी है। इंडिया टीवी इस आशंका को आज जड़ से खत्म करेगा और हर शंका का समाधान करेगा। ये वीडियो बाबा केदार के गर्भगृह का है, जिसमें एक नमकीन के पैकेट को खोला जा रहा है। खोलने वाले का चेहरा बहुत साफ नहीं है, लेकिन बातों से यही लग रहा है कि वो मंदिर के पुजारी हैं। पैकेट के भीतर से कुछ डिब्बे निकालते हैं, जिनमें गोल्ड पॉलिश और एक केमिकल है। एक डिब्बे में सोने की तरह चमकती हुई स्क्रू जैसी कीलें। इसके अलावा एक डिब्बे में केमिकल, जिसका इस्तेमाल सोने की छड़ों को गलाने में किया जाता है। सोने की पॉलिश है भाई, सोने की नहीं, सोने की नहीं, ये तो मिलाना पड़ता है ना उसमें, तभी तो। इसी वीडियो के बाद सोशल मीडिया में हंगामा हो गया और कहा जाने लगा कि केदारनाथ के गर्भगृह में लगा 125 अरब का सोना पीतल से बदल दिया गया है। गर्भगृह में पेंट के डिब्बों के साथ मिली कूचियों को प्रमाण के तौर पर पेश किया जाने लगा कि पीतल पर गोल्ड की पेंट मार दी गई और असली सोना गायब कर दिया गया। लेकिन सच्चाई क्या है, हम बताते हैं। करीब 7 महीने पहले मुंबई के एक कारोबारी ने बाबा केदार के गर्भगृह को सोने से सजाने की इच्छा जाहिर की थी। BKTC यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने मंदिर समिति की बैठक बुलाई, जिसमें राज्य सरकार और ASI के मेंबर शामिल हुए। उसके बाद दानदाता को गर्भगृह को सोने से सजाने की अनुमति दे दी गई। दानदाता ने अपने कारीगर भेजकर मंदिर समिति और ASI की मौजूदगी में गर्भगृह में सोने की सज्जा कराई। गर्भगृह की दीवारों और झलेरी को सोने से सजाया गया, लेकिन 7 महीने में जल चढ़ाने और भक्तों के आने की वजह से गर्भगृह में लगी झलेरी की चमक फीकी पड़ गई। इसी को देखकर मंदिर के वरिष्ठ पुजारी संतोष त्रिवेदी, जो चार धाम महापंचायत के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया में डालकर 125 अरब गोल्ड घोटाले का आरोप केदारनाथ मंदिर समिति पर लगाया। केदारनाथ के गर्भगृह में 14 महीनों पहले भगवान के गर्भगृह में सोना लगाया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद आज जब अंदर गया तो सोना देखो पीतल में बदल गया। आखिरकार क्यों सोने की जांच नहीं हुई? कौन इसके अधिकारी, कौन जिम्मेदार है? और 1,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 125 अरब रुपया का गमन केदारनाथ में सोने के नाम पर यहाँ केदारनाथ में हो गया है। कौन अधिकारी इसके जिम्मेदार है? कौन मंदिर समिति इसके जिम्मेदार है? कौन इसके जो जजमान की भावनाओं के साथ 125 अरब रुपए का बहुत बड़ा घोटाला केदारनाथ में हुआ है? आज जब जो सोना 125 अरब रुपए का जो बता रहे थे, वो सोना आज जो है पीतल में बदल गया है। इतनी बड़ी ठगी, इतने बड़े कौन है ये राक्षस, इतने बड़े गर्भगृह में कौन ने इसने किया? इनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। संतोष त्रिवेदी के आरोपों में कितना दम है, आइए इसे समझते हैं। केदारनाथ धाम के पुजारी संतोष त्रिवेदी ने वायरल वीडियो में जो 125 अरब गोल्ड घोटाले के आरोप लगाए हैं, वो तथ्यहीन है। दानदाता ने सिर्फ 23 किलो सोना दान दिया था, जिसकी कीमत करीब 14.38 करोड़ है। अब संतोष त्रिवेदी के दूसरे आरोप की पड़ताल करते हैं कि अगर केदारनाथ में दानदाता ने सोना लगाया था तो 7 महीने में उसकी चमक क्यों फीकी पड़ गई? 7 महीने पहले गर्भगृह की दीवारों और झलेरी पर सोना लगाया गया था। दीवारों पर लगे सोने की चमक जस की तस है और झलेरी जहां पुजारी और भक्त पूजा पाठ के लिए जाते हैं, उसकी चमक फीकी पड़ी है। ऐसा लोगों के आने जाने और बाबा भोलेनाथ को चढ़ाए जाने वाले जल पड़ने से हुआ है। अब उसी झलेरी की पॉलिश दानदाता फिर करा रहे हैं। यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है, शिवलिंग के चारों तरफ सोने की पट्टियां लगी हुई हैं, जिनको जलेरी बोलते हैं।
उन जलेरी में क्योंकि पिछले वर्ष वो जल्दबाजी में ये सारा कार्य हुआ था, तो उस जलेरी के ऊपर में एक्रेलिक की ट्रांसपेरेंट एक सीट लगनी थी जिससे कि वो सोने को नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन क्या हुआ कि वो जल्दबाजी के कारण से उस समय नहीं हो पाया था। और वहां पर उस जलेरी में जो हमारे वेद पाठी हैं वो बैठते हैं चौकी लेकर के, उसके अलावा वहां पर दान पात्र भी रखा रहता है, जो श्रद्धालु आते हैं वहां पर पानी चढ़ाने के लिए लोटा भी रखते हैं, थाली भी रखते हैं, तो उसके रगड़ के कारण से वो लगातार, और उसके अलावा लोग वहां पर खड़ा होकर के भी वहां पर जल चढ़ाते हैं, तो उस कारण से वो सोना घिस गया था। लेकिन जैसे ही हमारे संज्ञान में ये बात आई, हमने तत्काल जो डोनर्स थे उनसे संपर्क स्थापित किया और उन्होंने अपनी टीम भेज करके उसको फिर से वहां पर जो पॉलिश जो बर्क उसका बर्क था, सोने का बर्क था, वो उतर गया था, उसको दोबारा उन्होंने चढ़ाया है और उसके अलावा उस पर एक्रिलिक की एक ट्रांसपेरेंट सीट लगा दी है ताकि भविष्य में उसको किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। लेकिन केदारनाथ में गोल्ड स्कैम का वीडियो वायरल करने वाले पुजारी संतोष त्रिवेदी आरोप लगा रहे हैं कि रात में गोल्ड पॉलिश क्यों की जा रही है, दाल में कुछ तो काला है। आज सुबह में जब हमारे तीर्थ पुरोहित वहाँ गए, वहाँ देखा कि सारा सोने की पॉलिश वहाँ पे हो रही है। जब सोना था तो सोने की पॉलिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कट्टे के अंदर देखा, धोती के नीचे छुपाई हुई सारी चीज़ें थी, पॉलिश थी उसके अंदर, वो वीडियो में तमाम बोल भी रहे हैं और जो कील है उन पर भी सोने की पॉलिश, वहाँ पे जो कारीगर है वो बोल रहे हैं। जैसे ही धोती कट्टे के अंदर धोती निकाली, उसके अंदर सारा केमिकल और सारा वहाँ जो है सोने की पॉलिश निकली और अब जाके वहाँ चोरी छिपे। जब सारी बात सत्य है, आपने प्रेस नोट जारी कर दिया है, सारी चीज सत्य है, तो फिर भी आप चोरी से क्यों काम कर रहे हैं? पुरातत्व को क्यों नहीं पूछ रहे? वहाँ के तीर्थ पुरोहितों को क्यों नहीं बता रहे हैं? चोरी छिपे काम करने की आवश्यकता क्यों आपको करनी पड़ रही है? सब लोगों के सामने एक बार सच्चाई आनी चाहिए, कितना सोना है कितना नहीं है, उसके बाद ही आगे का कार्य होना चाहिए। ये बहुत बड़ा जाँच का विषय है। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। दरअसल पूरा विवाद मंदिरों में सोने के वर्क को लेकर समझ नहीं होने की वजह से पैदा हुआ है। मंदिरों में जब सोने का काम किया जाता है तो सोने के साथ पीतल और तांबा भी इस्तेमाल किया जाता है। केदारनाथ धाम में भी दानदाता ने गर्भगृह में सोने का काम कराया तो करीब 1 क्विंटल तांबा इस्तेमाल किया गया जिसकी कीमत 29 लाख रुपए है। गर्भगृह में तांबे के ऊपर ही सोने की परत चढ़ाई गई जिसे पुजारी लोग सोना सोना चिल्लाकर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। आजकल श्री केदारनाथ धाम में जो सोने का प्रकरण चल रहा है उस विषय पे जो दानी दाता है उनकी भावनाओं को भी कहीं भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जो हमें ज्ञात था कि वो सोने की प्लेटें हैं, लेकिन इस बार घिसने की वजह से पता चला कि वो तांबे की प्लेटें हैं। ये थोड़ा जांच का विषय भी है और कोई एक्सपर्ट आना चाहिए उस पर और जांच होनी चाहिए। किसी की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और धाम की भी बदनामी नहीं होनी चाहिए। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। आरोप लगाने वालों को बीकेटीसी ने जवाब दिया है कि अगर दानदाता की मंशा गलत होती तो वो टैक्स बचाने के लिए एटीजी का सर्टिफिकेट मांगते, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। दूसरी बात, अगर उन्हें दानी कहलाने का शौक होता तो अपना नाम छपवाते, उन्होंने गुप्त दान किया है। एक और बात, 2005 में इसी दानदाता ने बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह को भी सोने से जड़वाने का काम कराया था, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। बीकेटीसी का आरोप है कि ऐसे आरोप सिर्फ केदारनाथ धाम की इमेज बिगाड़ने के लिए लगाए जा रहे हैं। क्या 23 किलो सोना पूरी प्रक्रियाओं का पालन करके लगा है या नहीं लगा है, और वो लगा है तो कितना शुद्ध है उसकी जांच क्या आपने जो भारत सरकार की वैध संस्थाएं जैसे MMTC भारत सरकार की जो मेटल्स पर जो सबसे बड़ा काम करने वाली संस्था है, क्या उस संस्था से या ऑथराइज संस्था से उस सोने की जांच करा करके लगाया है कि नहीं लगाया है? अगर नहीं लगाया है और उसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, सरकार का बर्डन ऑफ प्रूफ मंदिर समिति पर है और मंदिर समिति की नहीं सरकार की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरे विश्व के करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का प्रश्न है। एक दानी दाता ने निस्वार्थ भावना के साथ में, पावन भावना के साथ में, पवित्र भावना के साथ में वहां पर दान दिया है, स्वर्ण मंडित कराया है गर्भगृह को, और उस पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाना ये बिल्कुल एक बहुत ही निम्न स्तर की सोच है। और आप जानते हैं कि बद्री केदारनाथ धाम में विगत वर्षों से और इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में देश विदेश से तीर्थयात्री श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक नया कीर्तिमान वहां पर यात्रियों की संख्या का हो रहा है,
तो ये सारी चीजें कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है और वो राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के एक षड्यंत्र के तहत धाम की बदनामी करने के लिए, वहां पर अव्यवस्थाएं पैदा करने के लिए इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।